आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार से हम सेल्स को मर्ज कर सकते हैं, ये कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं और रोज़ को इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए, उससे पहले हम एक मार्कशीट का परफॉर्मा बनाते हैं, एक रफ परफॉर्मा, इसको और डिज़ाइन करेंगे बाद में अच्छी तरीके से। एक सिंपल सी आपको समझाने के लिए मैंने एक ज़्यादा इसमें कॉलम्स रखे नहीं हैं। तो देखिए, जैसे सीरियल नंबर है, मैंने आपको पहले बताया था पिछले वीडियो में कि सीरियल नंबर को हम किस प्रकार से ऑटो फिल करेंगे। आप पहले कोई भी दो, आपने फर्स्ट दो नंबर लिख लिए और इसके बाद इसको आपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करना भी मैंने आपको सिखाया था पहले वीडियो में। उसके बाद आप इसको नीचे ट्रैक कर लेंगे, माउस को आप माउस का बटन जो है दबे रहने दीजिए और उसको नीचे ड्रैग कर लीजिए। देखो, इस प्रकार से ऑटो फिल हो जाएगा। और इसके बाद मैंने आपको ये बताया था, देखिए इसमें कि नेम ऑफ स्टूडेंट, देखिए ऊपर हम अगर फार्मूला बार में देखेंगे तो नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा आ रहा है, केवल यहाँ पर नेम आ रहा है नेम ऑफ। तो इसको हमको, मैंने आपसे बताया था कि किस प्रकार से इसको करेंगे। आप यहाँ पर जब जाएंगे इस कॉलम पे तो इस प्रकार से एक निशान बन जाएगा, इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इस प्रकार से जो कॉलम अपने आप ही एडजस्ट कर लेगा, जितना उसमें टेक्स्ट है उसी की जो लेंथ के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। और सिमिलरली मैथमेटिक्स में भी है, तो मैथमेटिक्स में भी हम कर लेते हैं, और सोशल साइंस में भी ऐसा ही है, सोशल साइंस में भी कर लेते हैं, और परसेंटेज में भी है, परसेंटेज में भी हम इसको इस प्रकार से कर लेंगे। तो देखिए कि अपने आप सारे कॉलम एडजस्ट हो गए। अब हमको मान लो इसके ऊपर जो कॉलम फोर है, जो सीरियल, जिसमें सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, हिंदी इंग्लिश ये सब लिखा हुआ है, इसके ऊपर हमको टाइटल लिखना है कि मार्कशीट फॉर क्लास सिक्स। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, आपको एक रो इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो रो इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए जो फोर आपको दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर कर्सर यहाँ पर ले जा रहा हूँ, तो देखिए कि ये थोड़ा कलर्ड हो जा रहा है। तो यहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आप क्या करिए, माउस को राइट क्लिक कीजिए, इस प्रकार से एक पॉपअप मेन्यू आ जाएगा, इसमें आप इंसर्ट दबाइए, तो आप देखिए कि एक कॉलम इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पर आप क्या लिखना है, मार्कशीट फॉर क्लास सिक्स, तो हमने इसको मार्कशीट फॉर क्लास सिक्स लिख दिया। अब देखिए, ये एक तो ये पहले कॉलम में, जैसे मैंने आपको पहले, मैं आपको जो पहले वीडियो जो मैंने आपको बनाए उनका आई बटन में लिंक भेज दूंगा या डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक देख लीजिएगा। तो इसमें देखिए कि मार्कशीट जो है वो बी फोर में है, जो मैंने मार्कशीट फॉर क्लास, पर क्योंकि हमको क्या है, क्योंकि हमको इसको पूरे जो टेक्स्ट हमारा जितना बड़ी मार्कशीट होगी उसमें हमको पूरा सेंटर में आना चाहिए कि मार्कशीट फॉर क्लास सिक्स लिखा हुआ। अगर इसको हम मान लीजिए कॉलम एडजस्ट करेंगे तो इस प्रकार से अगर हम करते जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो क्या होगा, देखिए केवल कॉलम बी जो बड़ा हो गया है, पर ये बाकी सीरियल नंबर वाला कॉलम इतना बड़ा अच्छा भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से इसको नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शन जो मैंने आपको बता रहा हूँ कि हाउ टू मर्ज सेल्स, तो यहाँ पर हमको मर्ज सेल का यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे, जिस सेल को आपको मर्ज करना है उसको आप एक्टिव सेल रहने दीजिए और आप माउस से इसको, इस जितना भी सेल्स को आपको मर्ज करना है उस सेल्स को आप सेलेक्ट कर लो। जब आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको कोई बटन क्लिक नहीं करना है, सीधे जो है माउस का राइट क्लिक करना है। और राइट क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर, या राइट क्लिक नहीं भी करते हैं आप तो डायरेक्ट यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर, तो आप मर्ज एंड सेंटर को आप क्लिक कर दीजिए। देखिए ये सेंटर पे आ गया और सारे कॉलम जो है मर्ज हो गए। पर यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये देखने वाली बात है कि अगर आप सेंटर अगर आप इसको मर्ज करेंगे तो मर्ज करने में के लिए जो लेफ्ट डाटा जो दे रखा है आपका वही मर्ज होगा, और अगर आपने लेफ़्ट डाटा जो लेफ़्ट सेल है, सबसे जो लेफ़्ट मोस्ट सेल है, अगर वो खाली है तो वो डाटा कॉपी नहीं होगा, वो खाली सेल जो है वो मर्ज हो जाएगा। तो इसको हम एग्जांपल से देखते हैं, वापस इसको हम ऐसे करते हैं। हम देखिए बी में जो हमने बी में डाटा बी में है, पर हम जो है सी वाले को मर्ज करते हैं, अगर मान लो, और हमने इसको मर्ज कर दिया मर्ज इन सेंटर। देखिए अब वो मार्कशीट ऐसे कैसे रह गई और केवल जो है ये बाकी सेल्स जो मर्ज हो गए, क्यों ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने लेफ्ट मोस्ट जो डाटा था हमारा, जो सी, हम क्योंकि लेफ्ट मोस्ट सेल था,
एक्टिव सेल, इसमें जो है कोई डाटा नहीं था, तो इसलिए ये मर्ज इस प्रकार से मर्ज हो गया, केवल ब्लैंक कॉलम मर्ज हो गए। तो इसको हम अंडू करने के लिए आपको मालूम है कंट्रोल प्लस जेड दबाएंगे तो वापस वही आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे दोबारा से, अब हम जिसमें टेस्क है लिखा हुआ है जैसे मार्कशीट जिसमें बी वाला, उस बी फोर को हम सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद जिन कॉलम्स को हमको मर्ज करना है उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर ऑप्शन जो ऊपर दे रखा है मर्ज इन सेंटर, यहाँ पे हम जाएंगे तो देखिए कि ये हमारा मर्ज हो गया। तो मैंने आपको मर्ज सेल करना सिखा दिया और इंसर्ट करना, इंसर्ट कॉलम सॉरी इंसर्ट रो करना सिखा दिया। अब हम सीखेंगे इंसर्ट कॉलम। मान लो यार हिंदी के बगल में आपको नेम ऑफ स्टूडेंट के बगल में आपको डेट ऑफ बर्थ भी लिखनी है, पर आपने तो ऐसा बना दिया, या तो आपको सारा इसको हटा कर फिर कॉपी करना पड़ेगा या इसको हटा के दोबारा रीटाइप करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया क्या है कि हम यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट कर देते हैं। तो देखिए जैसे डी के बगल में हमें कॉलम इंसर्ट करना है तो हम डी कॉलम को डी कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। फिर हम राइट क्लिक दबाएंगे और यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। देखिए तो कॉलम क्या हुआ, एक कॉलम इंसर्ट हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ। तो इस प्रकार से जो हम सेल्स को मर्ज कर सकते हैं, कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं और रोज़ को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप घर में इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम टेक्स्ट को हमको मर्ज करना, मर्ज सेल्स और कॉलम और इंसर्ट करना जो है एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जगह इसका काम आता है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।